हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो आपको फिट रखने बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप अपने बॉडी को एकदम स्लिम रख सकते हो, फिट रख सकते हो। यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आपका मसल्स लूज है, अपने बॉडी को टाइट करना चाहते हैं, देन ये वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप देख सकते हो कि घर घर पर इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ चुका है कि आप कह नहीं सकते हो। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी फिट होता है एंड आप इन बीमारियों को दूर रख सकते हो। एंड यदि आप फिट हो तो आपका फैमिली फिट है। हमारे जो घर में जितने भी मेंबर्स हैं, यदि सब फिट रहते हैं, देन आप सोच सकते हैं कि हमारा फैमिली कितना ज़्यादा हैप्पी होगा। एंड ये चीज़ मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना एंड अपने घर में डेली करने का कोशिश करना है। तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, बिकॉज मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको नॉलेज मिले एंड आप फिट एंड हेल्दी रह सकें। वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप वार्म अप नहीं करेंगे देन आपको इंजरी हो जाएगा। तो वार्म अप करना, उसके बाद मैं जो जो आपको वर्कआउट बताऊँगा उसका 3-3 सेट लगाना, देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए फ्रेंड, जब आप वर्कआउट करते हैं आपको एक दिन में 2 दिन में कभी रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी चीज़ जब आप कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम तक करेंगे देन उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक टावल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत कंकड़ है तो हाथ में लगता है, ठीक है। तो हम लोग देसी बंदे हैं तो देसी तरीके से वर्कआउट करेंगे एंड वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा आपको हाईफाई वर्कआउट नहीं बताऊँगा जो आप घर पर नहीं कर पाएंगे, ना सिंपल वर्कआउट बताऊँगा जो आप सभी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो सबसे पहले हम लोग पुशअप्स लगाएंगे, ठीक है। और नीचे जाके थोड़ा हल्का होल्ड करना, अप अप होल्ड, अप होल्ड करना, अप होल्ड करना, अप होल्ड, अप। और यदि आप पुशअप्स नहीं लगा सकते हैं देन इसका और एक सिंपल उपाय है, तो आप लेग को ऐसा करना, ठीक है। आपको ऐसे नहीं रखना, लेग को बस ऐसे रखना नी के ऊपर, फिर आपको पुशअप्स लगाना है। अप अप, ये थोड़ा आपके लिए इजी होने वाला है। अप अप अप, तो इसी तरीके से आपको पुशअप्स लगाना है। आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपका एब्स टारगेट हो जाता है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, कंपाउंड मूवमेंट। इसके बाद हम लोग लगाएंगे आपका बॉडी वेट स्क्वाट्स, ठीक है। तो स्क्वाट्स के लिए आपको नॉर्मल ये स्टांस पर रहना है, ठीक है। फिर डाउन अप, डाउन अप, कमर देखिए कैसा रहेगा, नीचे जा रहे हैं। कमर को ऐसे नहीं करना है, इसको इन्वर्ट करना है, स्लोली डाउन, यहाँ तक डाउन, अप स्लोली, यहाँ तक डाउन, होल्ड अप स्लोली, यहाँ तक डाउन अप। तो आप एक बार में 20 से 30 रिप्स कर सकते हैं, जितना आपके अंदर स्टेमिना है उस हिसाब से करिए, ठीक है। और हर एक एक्सरसाइज का 3 सेट। इसके बाद हम लोग जंप स्क्वाट्स लगाने वाले हैं। जंप स्क्वाट्स में क्या करना है आपको, नीचे जाना है, जंप, नीचे जाना है, जंप, नीचे जाना है, जंप, ठीक है। आपको इस तरीके से लगाना है, नीचे जाना है, जंप, नीचे जाना है, जंप। तो इसका भी 3 सेट लगाना है। इसके बाद और एक मज़ेदार वर्कआउट है जिससे क्या होगा, आपका बेली फैट घटेगा एंड आप थोड़ा स्लिम लगोगे बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है, साथ में इसके साथ साथ मसल भी बिल्डअप होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे पुशअप पोजीशन में जाना है, एक पुशअप लगाना है, उठना है, जंप, फिर पुशअप पोजीशन में जाना है, एक पुशअप लगाना है, जंप,
फिर पुशअप पोजीशन में, ठीक है, जंप। इसके बाद हम लोग लगाएंगे लंजेस। तो लंजेस के लिए आपको एक पैर आगे करना है, स्लोली डाउन अप, ठीक है, स्लोली डाउन अप, स्लोली डाउन अप, ऑल्टरनेट करना, ठीक है, स्लोली डाउन अप, स्लोली डाउन अप, इस तरह ये लंजेस हो गया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे स्क्वाट्स को एक डिफरेंट तरीके में लगाएंगे। आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको बॉडी को होल्ड करके रखना, ठीक है, अप, फिर नीचे जाना है, बॉडी को होल्ड करके रखिए जितना देर हो सके, होल्ड करके रखिए, अप, होल्ड अप। लास्ट में हम लोग प्लैंक लगाने वाले हैं। प्लैंक के लिए आपको ऐसा करना है, कमर स्ट्रेट, नीचे देखिए, जितने देर हो सके बॉडी को होल्ड करिए, ठीक है, ये एब्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। फिर होल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना भी वर्कआउट दिखाया, इसको घर में करना आप लोग, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, जब भी टाइम मिले करना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे क्या होगा, आप फिट रहेंगे, आपका बॉडी ब्लड प्रेशर सब मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो जब भी टाइम मिले करना, यदि आप ऑफिस जाते हो तो जाने से पहले कर सकते हो, जब भी टाइम मिलता है आप देखिए, जब आपको टाइम मिल रहा है इसको करिए। तो मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ, सांस फूल चुका है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल पीस बाय, टेक केयर।